मुंह मांगना पैसा देगी मैं तेरे को, बस कुछ दिनों के लिए मेरे घर चल, आनी सुरवी बरवे बन के रहने का। ए टकली, अपने सर के साथ साथ अपनी अकल भी मुंडवा ली है क्या? हम कैसे बनेंगे वो सुरवी भवरे? ऐसे समझेगी नहीं, रुक मैं तेरे को समझाती। ये देख, ये है सुरवी। कसम गंगा मैया की, ये हमार फोटो तुहार मोबाइल में कैसे? कब कैसे की रहे तू? और हाँ एक बात बता, ये जो फोटो में हमार बाजू में ये हैंडसम वा है, ये कौन है? एक ही झटके में हमारा दिल ले लिया इसने तो। ये चल, ये तू नहीं है, ये सुरवी बरवे है। आनी इसके बाजू में जो ये लड़का खड़ा ही ना, उसका पति है कार्तिक बरवे। ए टकली, हम आजमगढ़ के, कौनो झुमरी तलैया के नहीं। हम अच्छी तरीके से जानत है कि ई सब ना कंप्यूटर वा में गड़बड़ किया जात है, और हम जानत है कि ई फोटो हमार ही है। तू सड़क छाप लड़की है, आनी ये सुरवी बरवे है। इसकी एक एक साड़ी कितनी कीमती है तेरे को मालूम भी है? जमीन आसमान का अंतर है सुरवी और तेरे में, उतना ही करने का जितना मैं बोलेगी। अच्छा, का काम की रे तू? किसी का पैसा दबोचा, किसी की जान ली, या फिर पुलिस का कोई झमेला है? हाँ ना, हमरे बापूजी हमका हमेशा कहत रहे कि कभी भी चलती गड़िया में नहीं चलना चाहिए, एक्सीडेंट का डर होता है ना इसीलिए। देख गुड़िया, अगर ई रोल हमसे करवाई का है तो पूरी की पूरी बात विस्तार में बताओ, नहीं तो चलते बनो। वाह सुरवी, कमाल की एक्टिंग कर रही है तू मेरे सामने आज। किधर है कैमरा? तेरा फोन वोन से रिकॉर्डिंग तो नहीं चालू है? चैला मेरे को ये नहीं समझती है, मेरे से सारा सच उगलवाएगी और फिर जाके वो सारा रिकॉर्डिंग वो कार्टे को बताएगी, ये रस समझ के रखा है मेरे को? ए बुढ़िया, सटिया गई है क्या तू? देख, अभी ना हमारा दिमाग खराब हो गया। सुरवी सुरवी सुरवी, हम नहीं जानते किसी सुरवी को, और ना ही हम वो बनना चाहते सुरवी भवरे। तू अब यहाँ से निकल। अच्छा, गलती हो गई रे मेरे से, वो क्या है ना, इतना मच मच चल रहा है मेरा जिंदगी में, इससे गड़बड़ हो गया सब। माफी मांगती हूँ मैं तेरे से, दुर्गा रानी जी माफी मांगती है। देख वो क्या है ना, इस सब मेरे को थोड़ा भरोसा नहीं है तेरे पे। एक काम करते हैं, तू अपना मोबाइल इधर ही छोड़, हाँ अपन बाहर जाके बात करेंगे, इधर कोई भी नहीं है। मैं तेरे को सब कुछ बताएगी, वो क्या बोली राम कहानी ऐसे विस्तार में सब समझाएगी तेरे को। चले मार प्लीज। चल चलिए साहेब, एक चश्मदीद गवाह मिला है, उस गोडाउन के पास दुकान है इसका साहब, किसने देखा है सुरभि जी को? पैसा क्या देखा आपने? एक वैन आई थी, उसमें कुछ लोग एक लड़की को लेकर आए थे, वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, कुछ लोगों ने उसे जिंदा जला दिया, उसे मैंने अपनी आंखों से चलते हुए देखा था वहां पर। कई लड़की ये तो नहीं थी? हाँ, ये तो वही बेचारी थी। जलाया किसने इसे? तू मेरे सामने ऐसे खड़ी इसलिए मेरे को मांगता है कि तू मेरे साथ घर चल, सुरवी के भेस बनकर।
मंजे तेरे को हम लोग के साथ इतनी बदसलूकी करनी है, इतनी बुरी तरह से पेश आने का है कि कार्तिक सीधा तेरे को लात मार के निकाल दे। कार्तिक के दिलो दिमाग से सुरभि का नाम मिट जाना मांगता है, समझी ना? जानते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तो इसका मतलब तू जगह भी गंदा करेगी क्या? अरे वो हमारे मोदी जी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे देश को स्वच्छ बनाने में लगे हैं, और यहाँ तू हमारे देश को गंदा करेगी? चलो उठाओ उसको। क्या? अरे उठाओ। पैसा कितना लगी ये बता, सीधा मुद्दे की बात पर। बुढ़िया तू ना बहुत ही ज्यादा चंड है। एक बात बता, जब तू अपने माई के पेट में थी तो क्या तुम्हारे माई ने रावण की कथा वथा पढ़ी थी क्या? मतलब ऐसा राम सीता जैसी जोड़ी तोड़ दी तूने, और अब ऊपर से हमको सिरप न खाकर रोल करने के लिए कह रही है। तुझ जैसे पापन के साथ हम कभी काम नहीं करेंगे। लाख रुपया देगी मैं, पूरा 1,00,000। कसम गंगा मैया की, एक शब्द और कहीं ना। 2,00,000। तीन। चल 5,00,000 दिए, दर दिन का 5,00,000। जिंदगी भर नाचेगी ना दुर्गा रानी, तब भी इतना नहीं कमा पाएगी रे तू। बोल। ए बुढ़िया, अगर ज्यादा बकर बकर की ना तो जो काम तेरी वो सुरभि नहीं कर पाई ना वो हम कर देंगे। तेरे मुंह पे तकिया रख के ना ऐसा टेटवा दबाएंगे कि प्राण वाण सब निकल जाएंगे। तो साइला ये तो मेरी बात ही नहीं मान रही, क्या करूं मैं अभी? काटे आप बोलना। ताई, ताई आप जल्दी से घर आ जाइए, एक चश्मदीद गांव में ना पुलिस को। आप जहां पर भी है ना बस अभी कभी घर आ जाइए। यही है वो औरत साहब, इसे ही मैंने देखा था उसे जलाते हुए। और हाँ साहब, इसके साथ एक और आदमी था। पुलिस का आई अपने घर पे। आपको सुरभि बर्वे के हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। यह आदमी सुरभि की हत्या का चश्मदीद गवाह है, इसने आपको पहचान लिया। ताई, आपने सुरभि को मार डाला। आप इतनी हद तक गिर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
या उसे गिरफ्त कर दो। रुके, मेरी तरह ऐसा कर ही नहीं सकती। इस आदमी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ताई, ताई मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं कि आप ये सब कर सकती हो। मैं आपको निर्दोष साबित करके रहूंगा। मैं सूर्य को कैसे भी करके ढूंढ के लेकर आऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने जो भी कहा है पता नहीं क्यों कहा है, लेकिन जो भी कह रहा है ना वो सरासर गलत है। अगर आपको मेरी ताई को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए आपको अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज आप टू कॉल माय लॉयर, और उसका अंजाम आप अच्छे से जानते हैं। चलो। सुरभि, तुम ठीक हो ना? सुरभि, तुम कहां चली गई थी? हाँ, क्या हो गया था तुम्हें? ताई, ताई ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की कार्तिक। नौटंकी कैसे लगी? क्या ये वही नौटंकी बस दुर्गा रानी है? पचाइला, इसने तो मेरे को मना कर दिया था, फिर ये इधर। बोलिए ना ताई। पहले ही चाल में शय और मात दे दिया मैंने आपको, आपके ही चाल में फंसा दिया। ये खेलना दो लोग खेल सकते हैं,
अगर आप कार्तिक के सामने अच्छी बनी रहने के लिए नौटंकी कर सकती है तो मैं भी तो एक झूठा गवाह खड़ा करके अपनी हत्या के जुर्म में आपको फंसा सकती हूँ, है ना? इतनी गिरी हुई हरकत, ये तमाशा है तुम्हारा? हाँ, तो भावनाओं के साथ खेलना सीख लिया तुमने? हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है कार्तिक, और मैंने जो कुछ भी किया पूरे होशो आवाज के साथ किया। सचेत हो जाइए ताई, और अपनी ये घटिया हरकतें करना बंद कर दीजिए, वरना उस चश्मदीद गवाह के बयान पे मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। क्या तुम मेरी ताई को जेल पहुंचाओगी? सुरभी, हो क्या गया तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है हम लोगों पे क्या गुजरी है? अरे, दिन भर तुम्हें तलाशते रहे, जब उस जले हुए गोडाउन की राख में तुम्हारा मंगलसूत्र और तुम्हारी साड़ी का जला हुआ टुकड़ा मिला ना, तो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगे दिल में। मजाक बना के रख दिया तुमने सब कुछ। रत्ती भर की परवाह हुई है तुम्हें हमारी? सुरभी, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? सुरभी, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्यों कर रही है सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? ये पता नहीं कौन सी गलत फहमी पाल के रखी तुमने ताई के खिलाफ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं तुम ताई के बारे में कितना गलत सोचती हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा, मेरी ताई मेरी आई से बढ़कर, और अगर उन्हें कोई भी दुख पहुंचाएगा ना, तो उनसे पहले दर्द मुझको होगा। कार्तिक, आप ताई को जैसा समझते हैं वो वैसी नहीं है, और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया कार्तिक। आज जैसे मैंने इस नाटक में ताई को फंसाया, उसी तरह पिछली बार ताई ने मुझे अपने इस नाटक में फंसाया था। मैंने ताई हेमादी बिंदु दी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, फिर भी उन्होंने साबित कर दिया कार्तिक, और मुझे आपकी पत्नी को इस घर से बेइज्जत करके चौखट से बाहर फेंक दिया। कार्तिक, मैं जानती हूं कि आपको दुख पहुंचा है, लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती ना। सुरभि, ये सब क्या हो रहा है बेटा? काका, बिल्कुल सही वक्त पर आए आप। अपने कानों से अपनी बेटी के करतूत सुन लीजिए, देखिए अपनी बेटी का असली रूप। सुरभि, अपने पति के साथ कोई ऐसे बात करता है? और ये तो क्या बोल रही है? इतना बड़ा धोखा, हम सब कितने परेशान थे पता है तुझे? तू कह रही है तूने ये सब किया क्योंकि तुझे तेरी बात साबित करनी थी, तू होश में तो है? काका, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती की सुरभि का हाथ थामा। शी, देवा, आज पहली बार मेरा सर झुक गया तेरी वजह से। सुरभि, मुझे शर्म आ रही तुझे अपनी बेटी कहते हुए। बाबा, आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। मेरे परिवार के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है आपको। जब मुझे आपकी राय चाहिए होगी तब मैं मांग लूंगी। ये मेरा परिवार है और मुझे आता है रिश्ते निभाना। अब आप जाइए प्लीज। तू कैसे बातें करे मेरे साथ? बाबा, आप हाथ जोड़ लो। अब और क्या करूं, पैर पड़ूं?
आपने मेरी शादी करा दी, मुझे विदा करा दिया ना आपने, बाबा आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए आप। सुरभि काका संभालिए अपने आपको, अब आप घर चलिए, मैं आपको छोड़ के आता हूं। चलिए काका। सुरभि इस तरह कोई बात करता है अपने बाबा से, दिमाग ठिकाने में तुम्हारा कि नहीं? हाँ,